कर्पूरगारं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भगवान शिव को संतुष्ट करने वाले व्रतों का वर्णन, शिवरात्रि व्रत की विधि एवं महिमा का कथन। तदनंतर ऋषियों के पूछने पर सूत जी ने शिव जी की आराधना के द्वारा उत्तम एवं मनोवांछित फल प्राप्त करने वाले बहुत से महान स्त्री पुरुषों के नाम बताए। इसके बाद ऋषियों ने फिर पूछा, व्यास शिष्य, किस व्रत से संतुष्ट होकर भगवान शिव उत्तम सुख प्रदान करते हैं? जिस व्रत के अनुष्ठान से भक्त जनों को भोग और मोक्ष की प्राप्ति हो सके, उसका आप विशेष रूप से वर्णन कीजिए। सूत जी ने कहा, महर्षियों, तुमने जो कुछ पूछा है वही बात किसी समय ब्रह्मा विष्णु तथा पार्वती जी ने भगवान शिव से पूछी थी। इसके उत्तर में शिव जी ने जो कुछ कहा था वह मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ। भगवान शिव बोले, मेरे बहुत से व्रत हैं जो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। उनमें मुख्य 10 व्रत हैं जिन्हें जाबाल श्रुति के विद्वान दश शैव व्रत कहते हैं। द्विजों को सदा यत्नपूर्वक इन व्रतों का पालन करना चाहिए। हरे प्रत्येक अष्टमी को केवल रात में ही भोजन करे, विशेषतः कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भोजन का सर्वथा त्याग कर दे। शुक्ल पक्ष की एकादशी को भी भोजन छोड़ दे, किंतु कृष्ण पक्ष की एकादशी को रात में मेरा पूजन करने के पश्चात भोजन किया जा सकता है। शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को तो रात में भोजन करना चाहिए, परंतु कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिव व्रतधारी पुरुषों के लिए भोजन सर्वथा निषेध है। दोनों पक्षों में प्रत्येक सोमवार को प्रयत्नपूर्वक केवल रात में ही भोजन करना चाहिए। शिव के व्रत में तत्पर रहने वाले लोगों के लिए यह अनिवार्य नियम है। इन सभी व्रतों में व्रत की पूर्ति के लिए अपनी शक्ति के अनुसार शिव भक्त ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। द्विजों को इन सब व्रतों का नियम पूर्वक पालन करना चाहिए। जो द्विज इनका त्याग करते हैं वे चोर होते हैं। मुक्ति मार्ग में प्रवीण पुरुषों को मोक्ष की प्राप्ति कराने वाले 4 व्रतों का नियम पूर्वक पालन करना चाहिए। वे 4 व्रत इस प्रकार हैं: भगवान शिव की पूजा, रुद्र मंत्रों का जप, शिव मंदिर में उपवास तथा काशी में मरण, ये मोक्ष के सनातन मार्ग हैं। सोमवार की अष्टमी और कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, इन दोनों तिथियों को उपवास पूर्वक व्रत रखा जाए तो वह भगवान शिव को संतुष्ट करने वाला होता है। इसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। हरे, इन चारों में भी शिवरात्रि का ही व्रत सबसे अधिक बलवान है। इसलिए भोग और मोक्ष रूपी फल की इच्छा रखने वाले लोगों को मुख्यतः उसी का पालन करना चाहिए। इस व्रत को छोड़कर दूसरा कोई मनुष्यों के लिए हितकारक व्रत नहीं है। यह व्रत सबके लिए धर्म का उत्तम साधन है। निष्काम अथवा सकाम भाव रखने वाले सभी मनुष्यों, वर्णों, आश्रमों, स्त्रियों, बालकों, दासों, दासियों तथा देवता आदि सभी देहधारियों के लिए यह श्रेष्ठ व्रत हितकारक बताया गया है। माघ मास के कृष्ण पक्ष में शिवरात्रि तिथि का विशेष महत्व बताया गया है। जिस दिन आधी रात के समय तक वह तिथि विद्यमान हो, उसी दिन उसे व्रत के लिए ग्रहण करना चाहिए। शिवरात्रि करोड़ों हत्याओं का पाप नष्ट करने वाली है। केशव, उस दिन सवेरे से लेकर जो कार्य करना है उसे प्रसन्नतापूर्वक तुम्हें बता रहा हूँ, तुम ध्यान देकर सुनो। बुद्धिमान पुरुष सवेरे उठकर बड़े आनंद के साथ नित्य आदि कर्म करें, स्नान आदि नित्य कर्म करें, आलस को पास न आने दें, फिर शिवालय में जाकर शिवलिंग का विधिवत पूजन करके मुझ शिव को नमस्कार करने के पश्चात उत्तम रीति से संकल्प करें। संकल्प, देव देव महादेव नीलकंठ, आपको मेरा नमस्कार है। देव, मैं आपके शिवरात्रि व्रत का अनुष्ठान करना चाहता हूँ। देवेश्वर, आपके प्रभाव से यह व्रत बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण हो और काम आदि शत्रु मुझे पीड़ा न दें। ऐसा संकल्प करके पूजन सामग्री का संग्रह करें और उत्तम स्थान में जो शास्त्र प्रसिद्ध शिवलिंग हो उसके पास रात में जाकर स्वयं उत्तम विधि विधान का संपादन करें। फिर शिव के दक्षिण या पश्चिम भाग में सुंदर स्थान पर उनके निकट ही पूजा के लिए संचित सामग्री को रखें।
तदनंतर श्रेष्ठ पुरुष वहां फिर स्नान करे। स्नान के बाद सुंदर वस्त्र और उपवस्त्र धारण करके 3 बार आचमन करने के पश्चात पूजन आरंभ करे। जिस मंत्र के लिए जो द्रव्य नियत हो उस मंत्र को पढ़कर उसी द्रव्य के द्वारा पूजा करनी चाहिए। बिना मंत्र के महादेव जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। गीत वाद्य नृत्य आदि के साथ भक्ति भाव से संपन्न हो रात्रि के प्रथम पहर में पूजन करके विद्वान पुरुष मंत्र का जप करे। यदि मंत्रज्ञ पुरुष उस समय श्रेष्ठ पार्थिव लिंग का निर्माण करे तो नित्य कर्म करने के पश्चात पार्थिव लिंग का ही पूजन करे। पहले पार्थिव बनाकर पीछे उसकी विधिवत स्थापना करे। फिर पूजन के पश्चात नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा भगवान वृषभध्वज को संतुष्ट करे। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि उस समय शिवरात्रि व्रत के महात्म्य का पाठ करे। श्रेष्ठ भक्त अपने व्रत की पूर्ति के लिए उस महात्म्य को श्रद्धापूर्वक सुने। रात्रि के 4 पहरों में 4 पार्थिव लिंगों का निर्माण करके आवाहन से विसर्जन तक क्रमशः उनकी पूजा करे और बड़े उत्सव के साथ प्रसन्नतापूर्वक जागरण करे। प्रातः काल स्नान करके पुनः वहां पार्थिव शिव का स्थापन और पूजन करे। इस तरह व्रत को पूरा करके हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर बारंबार नमस्कार पूर्वक भगवान शंभु से इस प्रकार प्रार्थना करें। प्रार्थना एवं विसर्जन। महादेव जी, मैं आपकी आज्ञा से मैंने जो व्रत ग्रहण किया था स्वामिन, वह परम उत्तम व्रत पूर्ण हो गया है। अब अतः उसका विसर्जन करता हूँ। देवेश्वर सर्व यथाशक्ति किए गए इस व्रत से आज आप मुझ पर कृपा करके संतुष्ट हों। तत्पश्चात शिव को पुष्पांजलि समर्पित करके विधि पूर्वक दान दे। फिर शिव को नमस्कार करके व्रत संबंधी नियम का विसर्जन कर दे। अपनी शक्ति के अनुसार शिव भक्त ब्राह्मणों विशेषतः सन्यासियों को भोजन कराकर पूर्णतया संतुष्ट करके स्वयं भी भोजन करे। हरे, शिवरात्रि के प्रत्येक पहर में श्रेष्ठ शिव भक्तों को जिस प्रकार विशेष पूजा करनी चाहिए वह मैं बतलाता हूँ। सुनो, प्रथम प्रहर में पार्थिव लिंग की स्थापना करके अनेक सुंदर उपचारों द्वारा उत्तम भक्ति भाव से पूजा करें। पहले गंध पुष्प आदि 5 द्रव्यों द्वारा सदा महादेव जी की पूजा करनी चाहिए। उस द्रव्य से संबंध रखने वाले मंत्र का उच्चारण करके पृथक पृथक वह द्रव्य समर्पित करें। इस प्रकार द्रव्य समर्पण के पश्चात भगवान शिव को जल धारा अर्पित करें। विद्वान पुरुष चढ़े हुए द्रव्यों को जल धारा से ही उतारे। जल धारा के साथ साथ 108 मंत्र का जप करके वहां निर्गुण सगुण रूप शिव का पूजन करे। गुरु से प्राप्त हुए मंत्र द्वारा भगवान शिव की पूजा करे, अन्यथा नाम मंत्र द्वारा ही सदा शिव का पूजन करना चाहिए। विचित्र चंदन, अखंड चावल और काले तिलों से परमात्मा शिव की पूजा करनी चाहिए। कमल और कनेर के फूल चढ़ाने चाहिए। 8 नामों द्वारा शंकर जी को पुष्प समर्पित करे। वे 8 नाम इस प्रकार हैं: भव, शर्व, रुद्र, पशुपति, उग्र, महान, भीम और ईशान। इनके आरंभ में श्री और अंत में चतुर्थी विभक्ति छोड़कर श्री भवाय नमः इत्यादि नाम मंत्रों द्वारा शिव का पूजन करें। पुष्प समर्पण के पश्चात धूप दीप और नैवेद्य निवेदन करें। पहले प्रहर में विद्वान पुरुष नैवेद्य के लिए पकवान बनवा ले। फिर श्री फलयुक्त विशेषार्घ देकर तांबूल समर्पित करें। तदनंतर नमस्कार और ध्यान करके गुरु के दिए हुए मंत्र का जप करें। गुरुदत्त मंत्र ना हो तो पंचाक्षर नमः शिवाय मंत्र के जप से भगवान शंकर को संतुष्ट करें। धेनु मुद्रा दिखाकर उत्तम जल से तर्पण करें। पश्चात अपनी शक्ति के अनुसार 5 ब्राह्मणों को भोजन कराने का संकल्प करें। फिर जब तक पहला प्रहर पूरा ना हो जाए तब तक महान उत्सव करता रहे। दूसरा प्रहर आरंभ होने पर पुनः पूजन के लिए संकल्प करें अथवा एक ही समय में 4 प्रहरों के लिए संकल्प करके पहले प्रहर की भांति पूजा करता रहे। पहले पूर्वोक्त द्रव्यों से पूजन करके फिर जलधारा समर्पित करें। प्रथम प्रहर की अपेक्षा दुगने मंत्रों का जप करके शिव जी की पूजा करें। पूर्वोक्त तिल, जौ तथा कमल पुष्पों से भगवान शिव की अर्चना करें। विशेषतः बिल्व पत्रों से परमेश्वर शिव का पूजन करना चाहिए। दूसरे प्रहर में बिजोरा नींबू के साथ अर्घ्य देकर खीर का नैवेद्य निवेदन करें। जनार्दन, इसमें पहले की अपेक्षा मंत्रों की दुगनी आवृत्ति करनी चाहिए। फिर ब्राह्मणों को भोजन कराने का संकल्प करे। शेष सब बातें पहले की ही भांति तब तक करता रहे जब तक दूसरा प्रहर पूरा न हो जाए। तीसरे प्रहर का पूजन आने पर तो पहले के समान ही करे, किंतु जौ के स्थान में गेहूं का उपयोग करे और आग के फूल चढ़ाए।
उसके बाद नाना प्रकार के धूप एवं दीप देकर पुए का नैवेद्य भोग लगाए, उसके साथ भांति भांति के शाक भी अर्पित करें। इस प्रकार पूजन करके कपूर से आरती उतारे, अनार के फल के साथ अर्घ्य दे और दूसरे प्रहर की अपेक्षा दुगना मंत्र जप करे। तदनंतर दक्षिणा सहित ब्राह्मण भोजन का संकल्प करे और तीसरे प्रहर का पूरे होने तक पूर्वत उत्सव करता रहे। चौथा प्रहर आने तक पर तीसरे प्रहर की पूजा का विसर्जन कर दे। पुनः आवाहन आदि करके विधिवत पूजा करे। उड़द, कंगनी, मूग, सप्त धान्य, शंखी पुष्प तथा बिल्व पत्रों से परमेश्वर शंकर का पूजन करे। उस प्रहर में भांति भांति की मिठाइयों का नैवेद्य लगाए अथवा उड़द के बड़े आदि बनाकर उनके द्वारा सदाशिव को संतुष्ट करे। केले के फल के साथ अथवा अन्य विविध फलों के साथ शिव को अर्घ्य दे। तीसरे प्रहर की अपेक्षा दूना मंत्र जप करे और यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन का संकल्प करे। गीत, वाद्य तथा नृत्य से शिव की आराधना पूर्वक समय बिताए। भक्त जनों को तब तक महान उत्सव करते रहना चाहिए जब तक अरुणोदय न हो जाए। अरुणोदय होने पर पुनः स्नान करके भांति भांति के पूजनोपचारों और उपहारों द्वारा शिव की अर्चना करे। तत्पश्चात अपना अभिषेक कराए, नाना प्रकार के दान दे और प्रहर की संख्या के अनुसार ब्राह्मणों तथा सन्यासियों को अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थों का भोजन कराए। फिर शंकर को नमस्कार करके पुष्पांजलि दे और बुद्धिमान पुरुष स्तुति करके निम्नांकित मंत्रों से प्रार्थना करे। सुखदायक कृपा निधान शिव, मैं आपका हूँ, मेरे प्राण आप में ही लगे हैं और मेरा चित्त सदा आपका ही चिंतन करता है। यह जानकर आप जैसा उचित समझें वैसा करें। भूतनाथ, मैंने जान कर या अनजान में जो जप और पूजन आदि किया है उसे समझकर दया सागर होने के नाते ही आप मुझ पर प्रसन्न हो। उस उपवास व्रत से जो फल हुआ हो उसी से सुखदायक भगवान शंकर मुझ पर प्रसन्न हो। महादेव जी, मेरे कुल में सदा आपका भजन होता रहे। जहाँ के आप इष्ट देवता ना हो उस कुल में कभी मेरा जन्म ना हो। इस प्रकार प्रार्थना करने के पश्चात भगवान शिव को पुष्पांजलि समर्पित करके ब्राह्मणों से तिलक और आशीर्वाद ग्रहण करे। तदनंतर शंभू का विसर्जन करे। जिसने इस प्रकार व्रत किया हो उससे मैं दूर नहीं रहता। इस व्रत के फल का वर्णन नहीं किया जा सकता। मेरे पास ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे शिवरात्रि व्रत करने वाले के लिए मैं ना दे ना डालूं। जिससे के द्वारा अनायास ही इस व्रत का पालन हो गया उसके लिए भी अवश्य ही मुक्ति का बीज बो दिया गया। मनुष्यों को प्रति मास भक्ति पूर्वक शिवरात्रि व्रत का पालन करना चाहिए। तत्पश्चात इसका उद्यापन करके मनुष्य सांगोपांग फल लाभ करता है। इस व्रत का पालन करने से मैं शिव निश्चय ही उपासक के समस्त दुखों का नाश कर देता हूँ और उसे भोग मोक्षादि संपूर्ण मनोवांछित फल प्रदान करता हूँ। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, भगवान शिव का यह अत्यंत हितकारक और अद्भुत वचन सुनकर श्री विष्णु अपने धाम को लौट आए। उसके बाद इस उत्तम व्रत का अपना हित चाहने वाले लोगों में प्रचार हुआ। किसी समय केशव ने नारद जी से भोग और मोक्ष देने वाले इस दिव्य शिवरात्रि व्रत का वर्णन किया था। ओम नमः शिवाय। शिवरात्रि व्रत के उद्यापन की विधि। ऋषि बोले, सूत जी, अब हमें शिवरात्रि व्रत के उद्यापन की विधि बताइए जिसका अनुष्ठान करने से साक्षात भगवान शंकर निश्चय ही प्रसन्न होते हैं। सूत जी ने कहा, ऋषियों, तुम लोग भक्ति भाव से आदर पूर्वक शिवरात्रि के उद्यापन की विधि सुनो जिसका अनुष्ठान करने से वह व्रत अवश्य ही पूर्ण फल देने वाला होता है। लगातार 14 वर्षों तक शिवरात्रि के शुभ व्रत का पालन करना चाहिए। त्रयोदशी को एक समय भोजन करके चतुर्दशी को पूरा उपवास करना चाहिए। शिवरात्रि के दिन नित्य कर्म संपन्न करके शिवालय में जाकर विधि पूर्वक शिव का पूजन करे। तत्पश्चात वहाँ यत्न पूर्वक एक दिव्य मंडल बनवाए जो तीनों लोकों में गौरी तिलक नाम से प्रसिद्ध है। उसके मध्य भाग में दिव्य लिंगतो भद्र मंडल की रचना करे अथवा मंडप के भीतर सर्वतो भद्र मंडल का निर्माण करे। वहाँ प्रजापत्य नामक कलशों की स्थापना करनी चाहिए। वे शुभ कलश वस्त्र फल और दक्षिणा के साथ होने चाहिए। उन सबको मंडप के पार्श्व भाग में यत्नपूर्वक स्थापित करें। मंडप के मध्य भाग में एक सोने का अथवा दूसरी धातु तांबे आदि का बना हुआ कलश स्थापित करें। व्रती पुरुष उस कलश पर पार्वती सहित शिव की सुवर्णमयी प्रतिमा बनाकर रखे। वह प्रतिमा एक पल तोले अथवा आधे पल सोने की होनी चाहिए या जैसी अपनी शक्ति हो उसके अनुसार प्रतिमा बनवा ले।
वाम भाग में पार्वती की और दक्षिण भाग में शिव की प्रतिमा स्थापित करके रात्रि में उनका पूजन करें। आलस्य छोड़कर पूजन का काम करना चाहिए। उस कार्य में चार ऋत्विजों के साथ एक पवित्र आचार्य का वरण करें और उन सब की आज्ञा लेकर भक्तिपूर्वक शिव की पूजा करें। रात को प्रत्येक प्रहर में पृथक पृथक पूजा करते हुए जागरण करें। व्रती पुरुष भगवत संबंधी कीर्तन गीत एवं नृत्य आदि के द्वारा सारी रात बिताए। इस प्रकार विधिवत पूजन पूर्वक भगवान शिव को संतुष्ट करके प्रातःकाल पुनः पूजन करने के पश्चात सविधि होम करें। फिर यथाशक्ति प्राजापत्य विधान करें और ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक भोजन कराए और यथाशक्ति दान दे। इसके बाद वस्त्र अलंकार तथा आभूषणों द्वारा पत्नी सहित ऋत्विजों को अलंकृत करके उन्हें विधिपूर्वक पृथक पृथक दान दे। फिर आवश्यक सामग्रियों से युक्त बछड़े सहित गौ का आचार्य को यह कहकर विधिपूर्वक दान दे कि इस दान से भगवान शिव मुझ पर प्रसन्न हो। तत्पश्चात कलश सहित उस मूर्ति को वस्त्र के साथ वृषभ की पीठ पर रखकर संपूर्ण अलंकारों सहित उसे आचार्य को समर्पित कर दे। इसके बाद हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर बड़े प्रेम से गदगद वाणी में महाप्रभु महेश्वर देव से प्रार्थना करें। प्रार्थना: देव देव महादेव शरणागत वत्सल देवेश्वर, इस व्रत से संतुष्ट हो आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। शिव शंकर, मैंने भक्ति भाव से इस व्रत का पालन किया है, इसमें जो कोई कमी रह गई हो वह आपके प्रसाद से पूरी हो जाए। शंकर, मैंने अनजान में या जानबूझकर जो जप या पूजन आदि किया है वह आपकी कृपा से सफल हो। इस तरह परमात्मा शिव को पुष्पांजलि अर्पित करके फिर नमस्कार एवं प्रार्थना करें। जिसने इस व्रत को पूरा कर लिया उसके उस व्रत में कोई न्यूनता नहीं रहती, उससे वह मनोवांछित सिद्धि प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। ओम नमः शिवाय। अनजान में शिवरात्रि व्रत करने से एक भील पर भगवान शंकर की अद्भुत कृपा। ऋषियों ने कहा, सूत जी, पूर्व काल में किसने इस उत्तम शिवरात्रि व्रत का पालन किया था तथा अनजान में भी इस व्रत का पालन करके किसने कौन सा फल प्राप्त किया था? सूत जी ने कहा, ऋषियों, तुम सब लोग सुनो, मैं इस विषय में एक निषाद का प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ जो सब पापों का नाश करने वाला है। पहले की बात है, किसी वन में एक भील रहता था जिसका नाम था गुरुद्रुह। उसका कुटुंब बड़ा था तथा वह बलवान और क्रूर स्वभाव का होने के साथ ही क्रूरतापूर्ण कर्म में लगा रहता था। वह प्रतिदिन वन में जाकर मृगों को मारता और वहीं रहकर नाना प्रकार की चोरियां करता था। उसने बचपन से ही कभी कोई शुभ कर्म नहीं किया था। इस प्रकार वन में रहते हुए उस दुरात्मा भील का बहुत समय बीत गया। तदनंतर एक दिन बड़ी सुंदर एवं शुभकारक शिवरात्रि आई, किंतु वह दुरात्मा घने जंगल में निवास करने वाला था, इसलिए उस व्रत को नहीं जानता था। उसी दिन उस भील के माता पिता और पत्नी ने भूख से पीड़ित हो उससे याचना की, वनेचर, हमें खाने को दो। उसके इस प्रकार याचना करने पर वह तुरंत धनुष लेकर चल दिया और मृगों का शिकार करने के लिए सारे वन में घूमने लगा। दैव योग से उसे उस दिन कुछ भी नहीं मिला और सूर्य अस्त हो गया। इससे उसको बड़ा दुख हुआ। वह सोचने लगा, अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं, आज तो कुछ भी नहीं मिला। घर में जो बच्चे हैं उनका तथा मेरे माता पिता का क्या होगा, मेरी जो पत्नी है उसकी भी क्या दशा होगी, अन्यथा मुझे कुछ लेकर ही घर जाना चाहिए, अन्यथा नहीं। यह सोचकर वह व्याद एक जलाशय के समीप पहुंचा और जहां पानी में उतरने का घाट था वहां जाकर खड़ा हो गया। वह मन ही मन यह विचार करता था कि यहाँ कोई ना कोई जीव पानी पीने के लिए अवश्य ही आएगा, उसी को मारकर कृतकृत्य हो उसे साथ लेकर प्रसन्नतापूर्वक घर को जाऊंगा। ऐसा निश्चय करके वह व्याग एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया और वहीं जल साथ लेकर बैठ गया। उसके मन में केवल यही चिंता थी कि कब कोई जीव आएगा और कब मैं उसे मारूंगा। इसी प्रतीक्षा में भूख प्यास से पीड़ित हो वह बैठा रहा। उस रात के पहले प्रहर में एक प्यासी हिरनी वहाँ आई जो चकित होकर जोर जोर से चौंकड़ी भर रही थी। ब्राह्मणों, उस मृगी को देखकर व्याध को बड़ा हर्ष हुआ और उसने तुरंत ही उसके वध के लिए अपने धनुष पर एक बाण का संधान किया। ऐसा करते हुए उसके हाथ के धक्के से थोड़ा सा जल और बिल्व पत्र नीचे गिर पड़े। उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था। उक्त जल और बिल्व पत्र से शिव की प्रथम प्रहर की पूजा संपन्न हो गई।
उस पूजा के महात्म्य से उस व्याध का बहुत सा पातक तत्काल नष्ट हो गया। वहां होने वाली खड़खड़ाहट की आवाज को सुनकर हरिणी ने भय से ऊपर की ओर देखा। व्याध को देखते हुए वह व्याकुल हो गई और बोली, मृगी ने कहा, व्याध तुम क्या करना चाहते हो, मेरे सामने सच सच बताओ। हरिणी की बात सुनकर व्याध ने कहा, आज मेरे कुटुंब के लोग भूखे हैं, अतः तुमको मारकर उनकी भूख मिटाऊंगा, उन्हें तृप्त करूंगा। व्याध का वह दारुण वचन सुनकर जिसे रोकना कठिन था, उस दुष्ट भील को बाण ताने देख मृगी सोचने लगी, अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं, अच्छा कोई उपाय रचती हूं। ऐसा विचार कर उसने वहां इस प्रकार कहा। मृगी बोली, भील, मेरे मास से तुमको सुख होगा, इस अनर्थकाली शरीर के लिए इससे महान अधिक पुण्य कार्य और क्या हो सकता है। उपकार करने वाले प्राणी को इस लोक में जो पुण्य प्राप्त होता है उसका 100 वर्षों में भी वर्णन नहीं किया जा सकता, परंतु इस समय मेरे सब बच्चे मेरे आश्रम में हैं, मैं उन्हें अपनी बहन को अथवा स्वामी को सौंप कर लौट आऊँगी। वनेचर, तुम मेरी इस बात को मिथ्या ना समझो, मैं फिर तुम्हारे पास लौट आऊँगी, इसमें संशय नहीं है। सत्य से ही धरती टिकी हुई है, सत्य ही से ही समुद्र अपनी मर्यादा में स्थित है, सत्य से ही निर्झरों से जल की धाराएं गिरती हैं, सत्य में ही सब कुछ स्थित है। सूची कहते हैं, मृगी के ऐसा कहने पर जब व्याघ ने उसकी बात नहीं मानी, तब उसने अत्यंत विस्मित एवं भयभीत हो पुनः इस प्रकार कहना आरंभ किया। मृगी बोली, व्याध सुनो, मैं तुम्हारे सामने ऐसी शपथ खाती हूँ जिससे घर जाने पर मैं अवश्य तुम्हारे पास लौट आऊंगी। ब्राह्मण यदि वेद बेचे और तीनों काल की संध्या ना करे, उसे जो पाप लगता है, पति की आज्ञा का उल्लंघन करके स्वेच्छानुसार कार्य करने वाली स्त्रियों को जिस पाप की प्राप्ति होती है, किए हुए उपकार को न मानने वाले, भगवान शंकर से विमुख रहने वाले, दूसरों के से द्रोह करने वाले, धर्म को लांघने वाले तथा विश्वासघात और छल करने वाले लोगों को जो पाप लगता है, उसी पाप से मैं भी लिप्त हो जाऊं यदि मैं यहाँ लौट कर न आऊं। इस तरह अनेक शपथ खाकर जब मृगी चुपचाप खड़ी हो गई, तब उस व्याध ने उस पर विश्वास करके कहा, अच्छा अब तुम अपने घर जाओ। तब वह मृगी बड़े हर्ष के साथ पानी पीकर अपने आश्रम मंडल में गई। इतने में ही रात का वह पहला प्रहर व्याघ के जागते जागते ही बीत गया। तब उस हिरनी की बहन दूसरी मृगी, जिसका पहली ने स्मरण किया था, उसी की राह देखती हुई जल पीने के लिए वहां आ गई। उसे देखकर भील ने स्वयं बाण को तरकश से खींचा। ऐसा करते समय पुनः पहले की भांति भगवान शिव के ऊपर जल और बिल्व पत्र गिरे। उसके द्वारा महात्मा शंभु की दूसरे प्रहर की पूजा संपन्न हो गई। यद्यपि यह प्रसंगवश ही हुई थी, तो भी व्याघ के लिए सुखदायिनी हो गई। मृगी ने उसे बाण खींचते देखकर पूछा, वनेचर यह क्या करते हो। व्याघ ने पूर्वत उत्तर दिया, मैं अपने भूखे कुटुंब को तृप्त करने के लिए तुझे मारूंगा। यह सुनकर मृगी ने कहा, व्याध मेरी बात सुनो, मैं धन्य हूँ, मेरा देह धारण करना सफल हो गया, क्योंकि इस अनित्य शरीर के द्वारा उपकार होगा, परंतु मेरे छोटे छोटे घर में हैं, अतः मैं एक बार उन्हें अपने स्वामी को सौंप दूँ, फिर तुम्हारे पास लौट आऊँगी। व्याध बोला, तुम्हारी बात पर मुझे विश्वास नहीं है, मैं तुझे मारूंगा, इसमें संशय नहीं है। यह सुनकर वह हिरणी भगवान विष्णु की शपथ खाती हुई बोली, व्याध मैं जो कुछ कहती हूँ उसे सुनो, यदि मैं लौट कर ना आऊँ तो अपना सारा पुण्य हार जाऊँ, क्योंकि जो वचन देकर उससे पलट जाता है वह अपने पुण्य को हार जाता है। जो पुरुष अपनी विवाहिता स्त्री को त्याग कर दूसरी के पास जाता है, वैदिक धर्म का उल्लंघन करके कपोल कल्पित धर्म पर चलता है, भगवान विष्णु का भक्त होकर शिव की निंदा करता है, माता पिता की निधन तिथि को श्राद्ध आदि ना करके उसे सूना बिता देता है, तथा मन में संताप का अनुभव करके अपने दिए हुए वचन को पूरा करता है, ऐसे लोगों को जो पाप लगता है वही मुझे भी लगे यदि मैं लौट कर ना आऊं। सूर्य जी कहते हैं, उसके ऐसा कहने पर व्याध ने उस मृगी से कहा, जाओ। मृगी जल पीकर हर्षपूर्वक अपने आश्रम को गई। इतने में ही रात का दूसरा प्रहर भी व्याघ के जागते जागते बीत गया। इसी समय तीसरा प्रहर आरंभ हो जाने पर मृगी के लौटने में बहुत विलंब हुआ, जान चकित हो व्याघ उसे खोजने लगा। इतने में ही उसने जल के मार्ग में एक हिरन को देखा, वह बड़ा हृष्ट पुष्ट था। उसे देखकर वनेचर को बड़ा हर्ष हुआ,
और वह धनुष पर बाण रखकर उसे मार डालने को उद्यत हुआ। ऐसा करते समय उसके प्रारब्धवश कुछ जर और बिल्वपत्र शिवलिंग पर गिरे। उसके उस सौभाग्य से भगवान शिव के तीसरे प्रहर की पूजा संपन्न हो गई। इस तरह भगवान ने उस पर अपनी दया दिखाई। पत्तों के गिरने आदि का शब्द सुनकर उस मृग ने व्याघ की ओर देखा और पूछा, क्या करते हो? व्याघ ने उत्तर दिया, मैं अपने कुटुंब को भोजन देने के लिए तुम्हारा वध करूंगा। व्याघ की यह बात सुनकर हिरण के मन में बड़ा हर्ष हुआ और तुरंत ही व्याघ से इस प्रकार बोला। हिरण ने कहा, मैं धन्य हूँ, मेरा हृष्ट पुष्ट होना सफल हो गया, क्योंकि मेरे शरीर से आप लोगों की तृप्ति होगी। जिसका शरीर परोपकार के काम में नहीं आता, उसका सब कुछ व्यर्थ चला गया। जो सामर्थ्य रहते हुए भी किसी का उपकार नहीं करता है, उसकी वह सामर्थ्य व्यर्थ चली जाती है, तथा वह परलोक में नरक गामी होता है। परंतु एक बार मुझे जाने दो, मैं अपने बालकों को उनकी माता के हाथ में सौंप कर और उन सबको धीरज बंधा कर यहाँ लौट आऊँगा। उसके ऐसा कहने पर ही व्याघ मन ही मन बड़ा विस्मित हुआ। उसका हृदय कुछ शुद्ध हो गया था और उसके सारे पाप पुंज नष्ट हो चुके थे। उसने इस प्रकार कहा। व्याघ बोला, जो जो यहाँ आए वे सब तुम्हारी ही तरह बातें बनाकर चले गए, परंतु वे वंचक अभी तक यहाँ नहीं लौटे हैं। मृग, तुम भी इस समय संकट में हो, इसलिए झूठ बोलकर चले जाओगे, फिर आज मेरा जीवन निर्वाह कैसे होगा? मृग बोला, व्याघ, मैं जो कुछ कहता हूँ उसे सुनो, मुझमें असत्य नहीं है। सारा चराचर ब्रह्मांड ही सत्य से टिका हुआ है। जिसकी वाणी झूठी होती है, उसका पुण्य उसी क्षण नष्ट हो जाता है। तथापि भील, तुम मेरी प्रतिज्ञा सुनो। संध्या काल में मैथुन तथा शिवरात्रि के दिन भोजन करने से जो पाप लगता है, झूठी गवाही देने, धरोहर को हड़प लेने तथा संध्या न करने से द्विज को जो पाप लगता है, वही मुझे लगे यदि मैं लौट कर ना आऊँ। जिसके मुख से कभी शिव का नाम नहीं निकलता, जो सामर्थ्य रहते हुए भी दूसरों का उपकार नहीं करता, पर्व के दिन जो श्रीफल तोड़ता, अभक्ष भक्षण करता तथा शिव की पूजा किए बिना और भस्म लगाए बिना भोजन कर लेता है, इन सब का पातक मुझे लगे यदि मैं लौट कर ना आऊँ। सूत जी कहते हैं, उसकी बात सुनकर व्याघ ने कहा, जाओ शीघ्र लौटना। व्याघ के ऐसा कहने पर मृग पानी पीकर चला गया। वे सब अपने आश्रम पर मिले। तीनों ही प्रतिज्ञाबद्ध हो चुके थे। आपस में एक दूसरे के वृतांत को भली भांति सुनकर सत्य के पास से बंधे हुए उन सब ने यही निश्चय किया कि वहां अवश्य जाना चाहिए। इस निश्चय के बाद वे वहां बालकों को आश्वासन देकर वे सब के सब वहां जाने को उत्सुक हुए। उस समय जेठी मृगी ने वहां अपने स्वामी से कहा, स्वामिन, आपके बिना यहां बालक कैसे रहेंगे? प्रभु, मैंने ही वहां पहले जाकर प्रतिज्ञा की है, इसलिए केवल मुझको ही जाना चाहिए, आप दोनों यही रहें। उसकी यह बात सुनकर छोटी मृगी बोली, बहन, मैं तुम्हारी सेविका हूँ, इसलिए आज मैं ही व्याघ के पास जाती हूँ, तुम यहीं रहो। यह सुनकर मृग बोला, मैं ही वहाँ जाता हूँ, तुम दोनों यहाँ रहो, क्योंकि शिशुओं की रक्षा माता से ही होती है। स्वामी की यह बात सुनकर उन दोनों मृगियों ने धर्म की दृष्टि से उसे स्वीकार नहीं किया। वे दोनों अपने पति से प्रेम पूर्वक बोली, प्रभो, पति के बिना इस जीवन को धिक्कार है। तब उन सब ने अपने बच्चों को सांत्वना देकर उन्हें पड़ोसियों के हाथ में सौंप दिया और शीघ्र ही स्वयं ही उस स्थान को प्रस्थान किया जहां वह व्याघ शिरोमणि उनकी प्रतीक्षा में बैठा था। उन्हें जाते देखकर वे सब बच्चे भी पीछे पीछे चले आए। उन्होंने निश्चय कर लिया था कि इन माता पिता की जो गति होगी वही हमारी भी हो। उन सबको एक साथ आया देखकर व्याघ को बड़ा हर्ष हुआ। उसने धनुष पर बाण रखा। उस समय पुनः जल और बिल्व पत्र से भगवान शिव के ऊपर गिरे। उससे शिव की चौथे प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई। उस समय व्याघ का सारा पाप तत्काल भस्म हो गया। इतने में दोनों मृगियां और मृग बोल उठे, व्याघ शिरोमणि, शीघ्र कृपा करके हमारे शरीर को सार्थक करो। उनकी ये बात सुनकर व्याघ को बड़ा विस्मय हुआ। शिव पूजा के प्रभाव से उसको दुर्लभ ज्ञान प्राप्त हो गया। उसने सोचा, ये मृग ज्ञानहीन पशु होने पर भी धन्य हैं, सर्वथा आदरणीय हैं, क्योंकि अपने शरीर से ही परोपकार में लगे हुए हैं। इस समय मैंने मनुष्य जन्म पाकर भी किस पुरुषार्थ का साधन किया? दूसरे को शरीर को पीड़ा देकर अपने शरीर को पोसा है, प्रतिदिन अनेक प्रकार के पाप करके अपने कुटुंब का पालन किया है। हाय, ऐसे पाप करके मेरी क्या गति होगी, अथवा मैं किस गति को प्राप्त होऊंगा?
मैंने जन्म से लेकर अब तक जो पातक किया है उसका मुझे इस समय स्मरण हो रहा है। मेरे जीवन को धिक्कार है, धिक्कार है। इस प्रकार ज्ञान संपन्न हो व्याघ ने अपने बाण को रोक लिया और कहा, श्रेष्ठ मृगो तुम जाओ, तुम्हारा जीवन धन्य है। व्याघ के ऐसा कहने पर भगवान शंकर तत्काल प्रसन्न हो गए और उन्होंने व्याघ को अपने सम्मानित एवं पूजित स्वरूप का दर्शन कराया तथा कृपा पूर्वक उसके शरीर का स्पर्श करके उससे प्रेम पूर्वक कहा, भील मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। व्याघ भी भगवान शिव के उस रूप को देखकर तत्काल जीवन मुक्त हो गया और मैंने सब कुछ पा लिया यों कहता हुआ उनके चरणों के आगे गिर पड़ा। उनके इसके इस भाव को देखकर भगवान शिव भी मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और उसे गुह नाम देकर कृपा दृष्टि से देखते हुए उसे दिव्य वर दिए। शिव बोले, व्याघ सुनो, आज से तुम श्रृंगवेरपुर में उत्तम राजधानी का आश्रय ले दिव्य भोगों का उपभोग करो, तुम्हारे वंश की वृद्धि निर्विघ्न से होती रहेगी, देवता भी तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। व्याघ, मेरे भक्तों पर स्नेह रखने वाले भगवान श्री राम एक दिन निश्चय ही तुम्हारे घर पधारेंगे और तुम्हारे साथ मित्रता करेंगे, तुम मेरी सेवा में मन लगाकर दुर्लभ मोक्ष पा जाओगे। इसी समय वह सब मृग भगवान शंकर का दर्शन और प्रणाम करके मृगयोनि से मुक्त हो गए और दिव्य देहधारी हो विमान पर बैठकर शिव के दर्शन मात्र से शाप मुक्त हो दिव्य धाम को चले गए। तब से अर्बुद पर्वत पर भगवान शिव व्याधेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए, जो लोग दर्शन और पूजन करने पर तत्काल भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। महर्षियों, वह व्याघ भी उस दिन से दिव्य भोगों का उपभोग करता हुआ अपनी राजधानी में रहने लगा। उसने भगवान श्री राम की कृपा पाकर शिव का सायुज्य प्राप्त कर लिया। अनजान में ही इस व्रत का अनुष्ठान करने से उसको सायुज्य मोक्ष मिल गया। फिर जो भक्ति भाव से संपन्न होकर इस व्रत को करते हैं वे शिव का शुभ सायुज्य प्राप्त कर लें, इसके लिए तो कहना ही क्या है। संपूर्ण शास्त्रों तथा अनेक प्रकार के धर्मों के विषय में भली भांति विचार करके इस शिवरात्रि व्रत को सबसे उत्तम बताया गया है। इस लोक में जो नाना प्रकार के व्रत, विविध तीर्थ, भांति भांति के विचित्र दान, अनेक प्रकार के यज्ञ, तरह तरह के तप तथा बहुत प्रकार के जप हैं, वे सब इस शिवरात्रि व्रत की समानता नहीं कर सकते। इसलिए अपना हित चाहने वाले मनुष्यों को इस शुभतर व्रत का अवश्य पालन करना चाहिए। यह शिवरात्रि व्रत दिव्य है, इसे सदा भोग और मोक्ष की इससे प्राप्ति होती है। महर्षियों, यह शुभ शिवरात्रि व्रत व्रतराज के नाम से विख्यात है। इसके विषय में यह सब बातें मैंने तुम्हें बता दी, अब और क्या सुनना चाहते हो। ओम नमः शिवाय। मुक्ति और भक्ति के स्वरूप का विवेचन। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, आपने बार बार मुक्ति का नाम लिया है, यहाँ मुक्ति मिलने पर क्या होता है, मुक्ति में जीव की कैसी अवस्था होती है, यह हमें बताइए। सूत जी ने कहा, महर्षि सुनो, मैं तुम्हें संसार क्लेश का निवारण तथा परमानंद का दान करने वाली मुक्ति का स्वरूप बताता हूँ। मुक्ति चार प्रकार की कही गई है, सारूप्या, सलोक्या, सानिध्या और चौथी सायुज्या। इस शिवरात्रि व्रत से सब प्रकार की मुक्ति सुलभ हो जाती है। जो ज्ञान रूप अविनाशी साक्षी ज्ञानगम्य और द्वैत रहित साक्षात शिव हैं, वे ही यहाँ कैवल्य मोक्ष के तथा धर्म अर्थ और काम रूप त्रिवर्ग के भी दाता हैं। कैवल्या नामक पांचवा जो पांचवी मुक्ति है, वह मनुष्यों के लिए अत्यंत दुर्लभ है। मुनिवरों, मैं उसके लक्षण बताता हूँ, सुनो। जिनसे यह समस्त जगत उत्पन्न होता है और जिनके द्वारा इसका पालन होता है तथा अंततो गत्वा यह जिनमें लीन हो जाता है, वे ही शिव हैं। जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है, वह ही शिव का रूप है। मुनीश्वरों, वेदों में शिव के दो रूप बताए गए हैं, सकल और निष्कल। शिव तत्व सत्य ज्ञान अनंत एवं सच्चिदानंद नाम से प्रसिद्ध है। निर्गुण उपाधि रहित अविनाशी शुद्ध एवं निरंजन निर्मल है। वह न लाल है, न पीला है, न सफ़ेद है, न नीला है, न छोटा है, न बड़ा है, और न मोटा है, न महीन है। जहाँ से मन सहित वाणी उसे ना पाकर लौट आती है, वह परब्रह्म परमात्मा ही शिव कहलाता है। जैसे आकाश सर्वत्र व्यापक है, उसी प्रकार यह शिव तत्व भी सर्वव्यापी है। यह माया से परे संपूर्ण द्वंद्वों से रहित तथा मत्सरता शून्य परमात्मा है। यहाँ शिव का ज्ञान उदय होने से निश्चय उसकी प्राप्ति होती है। अथवा द्विजो,
सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा शिव का ही भजन ध्यान करने से सतपुरुषों को शिव पद की प्राप्ति होती है। संसार में ज्ञान की प्राप्ति अत्यंत कठिन है, परंतु भगवान का भजन अत्यंत सुकर माना गया है। इसलिए संत शिरोमणि पुरुष मुक्ति के लिए भी शिव का ही भजन करते हैं। ज्ञान स्वरूप मोक्षदाता परमात्मा शिव भजन के ही अधीन है। भक्ति से ही बहुत प्रकार की सिद्धि लाभ करके प्रसन्नतापूर्वक मोक्ष परम मोक्ष को पा गए हैं। भगवान शंभु की सदा भोग और मोक्ष देने वाली भगवान शंभु की भक्ति ज्ञान की जननी मानी गई है, जो सदा भोग और मोक्ष को देने वाली है। वह साधु पुरुषों के कृपा प्रसाद से सुलभ होती है। उत्तम प्रेम का अंकुर ही उसका लक्षण है। द्विजो वह भक्ति भी सगुण और निर्गुण के भेद से दो प्रकार की जाननी चाहिए। फिर वैधि और स्वाभाविकी, ये दो और भेद होते हैं। इनमें वैधि की अपेक्षा स्वाभाविकी श्रेष्ठ मानी गई है। इसके सिवा नैष्टिकी और अनैष्टिकी भेद से भक्ति के दो प्रकार और बताए गए हैं। नैष्टिकी भक्ति 6 प्रकार की जाननी चाहिए और अनैष्टिकी 1 ही प्रकार की। फिर विहिता और अविहिता के भेद से विद्वानों ने उसके बहुत से अनेक प्रकार माने हैं। उनके बहुत से भेद होने के कारण यहाँ विस्तृत वर्णन नहीं किया गया है। उन दोनों प्रकार की भक्तियों के श्रवण आदि भेद से 9 अंग जानने चाहिए। भगवान की कृपा के बिना इन भक्तियों का संपादन होना कठिन है और उनकी कृपा से सुगमतापूर्वक इनका साधन होता है। द्विजो, भक्ति और ज्ञान को शंभु ने एक दूसरे से भिन्न नहीं बताया है, इसलिए उनमें भेद नहीं करना चाहिए। ज्ञान और भक्ति दोनों के ही साधक को सदा सुख मिलता है। ब्राह्मणों, जो भक्ति का विरोधी है, उसे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। भगवान शिव की भक्ति करने वाले को शीघ्रतापूर्वक ज्ञान प्राप्त होता है। अतः मुनीश्वरों, महेश्वर की भक्ति का साधन करना आवश्यक है, उसी से सबकी सिद्धि होगी, इसमें संशय नहीं है। महर्षियों, तुमने जो कुछ पूछा था उसी का मैंने वर्णन किया है। इस प्रसंग को सुनकर मनुष्य सब पापों से निस्संदेह मुक्त हो जाता है। ओम नमः शिवाय। शिव, विष्णु, रुद्र और ब्रह्मा के स्वरूप का विवेचन। ऋषियों ने पूछा, शिव कौन है, विष्णु कौन है, रुद्र कौन है और ब्रह्मा कौन है? इन सब में निर्गुण कौन है? हमारे इस संदेह का आप निवारण कीजिए। सूत जी ने कहा, महर्षियों, वेद और वेदांत के विद्वान ऐसा मानते हैं कि जो निर्गुण परमात्मा से सर्वप्रथम जो सगुण स्वरूप प्रकट हुआ, उसी का नाम शिव है। शिव से संपूर्ण सहित शिव से पुरुष सहित प्रकृति उत्पन्न हुई। उन दोनों ने मूल स्थान में स्थित जल के भीतर तप किया। वह स्थान पंचक्रोशी काशी के नाम से विख्यात है, जो भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। यह जल पहले संपूर्ण विश्व में व्याप्त था। उस जल का आश्रय ले योग माया से युक्त श्रीहरि वहां सोए। नार अर्थात जल को अयन निवास स्थान बनाने के कारण फिर नारायण नाम से प्रसिद्ध हुए और प्रकृति नारायणी कहलाई। नारायण के नाभि कमल से जिनकी उत्पत्ति हुई, वे ब्रह्मा कहलाते हैं। ब्रह्मा ने तपस्या करके जिनका साक्षात्कार किया, उन्हें विष्णु कहा गया है। ब्रह्मा और विष्णु के विवाद को शांत करने के लिए निर्गुण शिव ने जो स्वरूप प्रकट किया, उसका नाम महादेव है। उन्होंने कहा, मैं शंभु ब्रह्मा जी के ललाट से प्रकट होऊंगा। इस कथन के अनुसार समस्त लोकों पर अनुग्रह करने के लिए जो ब्रह्मा जी के ललाट से प्रकट हुए, उनका नाम रुद्र हुआ। इस प्रकार रूप रहित परमात्मा सबके चिंतन का विषय बनने के लिए साकार रूप में प्रकट हुए। वे ही साक्षात भक्तवत्सल शिव हैं। तीनों गुणों से भिन्न शिव में तथा गुणों के धाम रुद्र में उसी तरह वास्तविक भेद नहीं है जैसे सुवर्ण और उसके आभूषण में नहीं है। दोनों के रूप और कर्म समान हैं। दोनों समान रूप से भक्तों को उत्तम गति प्रदान करने वाले हैं। दोनों समान रूप से सबके सेवनीय हैं तथा नाना प्रकार के लीला विहार करने वाले हैं। भयानक पराक्रमी रुद्र सर्वथा शिव रूप ही हैं। वे भक्तों की कार्य की सिद्धि के निमित्त विष्णु और ब्रह्मा की सहायता करने के लिए ही प्रकट हुए हैं। अन्य जो जो देवता जिस क्रम से प्रकट हुए हैं, उसी क्रम से लय को प्राप्त होते हैं, परंतु रुद्र देव उस तरह लीन नहीं होते। उनका साक्षात शिव में ही लय होता है। ये प्राकृत प्राणी रुद्र में मिलकर ही लय को प्राप्त होते हैं, परंतु रुद्र इनमें मिलकर लय को प्राप्त नहीं होते। यही भगवती श्रुति का उपदेश है। सब लोग रुद्र का भजन करते हैं, किंतु रुद्र किसी का भजन नहीं करते।
वे भक्त वत्सल होने के कारण कभी कभी अपने आप भक्त जनों का चिंतन कर लेते हैं। जो दूसरे देवता का भजन करते हैं वे उसी में लीन होते हैं, इसीलिए वे दीर्घ काल के बाद रुद्र में लीन होने का अवसर पाते हैं। जो कोई रुद्र के भक्त हैं वे तत्काल शिव हो जाते हैं, अतः उनके लिए दूसरे की अपेक्षा नहीं रहती। यह सनातन श्रुति का संदेश है। द्विजो, अज्ञान अनेक प्रकार का होता है, परंतु विज्ञान का स्वरूप एक ही है। वह अनेक प्रकार का नहीं होता, उसको समझने का प्रकार मैं बताऊंगा, तुम लोग आदरपूर्वक सुनो। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत जो कुछ भी यहाँ देखा जाता है वह सब शिव रूप ही है। उसमें नाना तत्व की कल्पना मिथ्या है। सृष्टि के पूर्व भी शिव की सत्ता बताई गई है, सृष्टि के मध्य में भी शिव विराज रहे हैं और सृष्टि के अंत में भी शिव ही रहते हैं। और जब सब कुछ शून्यता में परिणत हो जाता है उस समय भी शिव की ही सत्ता रहती है। अतः मुनीश्वरों, शिव को चतुर्गुण कहा गया है। वे ही शिव शक्तिमान होने के कारण सगुण जानने योग्य हैं। इस प्रकार वे सगुण निर्गुण के भेद से दो प्रकार के हैं। जिन शिव ने भगवान विष्णु को संपूर्ण तथा सनातन वेद तथा अनेक वर्ण, अनेक मात्रा और अपना ध्यान एवं पूजन दिए हैं वे ही संपूर्ण विद्याओं के ईश्वर हैं, ऐसी सनातन श्रुति है। अतएव शंभू को वेदों का प्राकट्यकर्ता और वेदपति कहा गया है। वे ही सब पर अनुग्रह करने वाले साक्षात शंकर हैं। कर्ता, भर्ता, हर्ता, साक्षी और निर्गुण भी वे ही हैं। दूसरों के लिए काल का मान है, परंतु काल स्वरूप रुद्र के लिए वे काल की कोई गणना नहीं है, क्योंकि वे साक्षात स्वयं महाकाल हैं और महाकाली उनके आश्रित हैं। ब्राह्मण रुद्र और काली को एक से ही बताते हैं। उन दोनों ने सत्य लीला करने वाली अपनी इच्छा से ही सब कुछ प्राप्त कर लिया है। शिव का कोई उत्पादक नहीं है, उनका कोई पालक और संहारक भी नहीं है। वे स्वयं सबके हेतु हैं। एक होकर भी अनेकता को प्राप्त हो सकते हैं और अनेक होकर भी एकता को। एक ही बीज बाहर होकर वृक्ष और फल आदि के रूप में परिणित होता हुआ पुनः बीज भाव को प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार शिव रूपी महेश्वर स्वयं एक से अनेक होने में हेतु हैं। यह उत्तम शिव ज्ञान तत्वतः बताया गया है। ज्ञानवान पुरुष ही इसको जानता है, दूसरा नहीं। मुनि बोले, सूत जी, आप लक्षण सहित ज्ञान का वर्णन कीजिए जिसको जानकर मनुष्य शिव भाव से को प्राप्त हो जाता है। सारा जगत शिव कैसे है, अथवा शिव ही संपूर्ण जगत कैसे है? ऋषियों का यह प्रश्न सुनकर पौराणिक शिरोमणि सूत जी ने भगवान शिव के चरणारविंदों में चिंतन करके उनसे कहा, ओम नमः शिवाय। शिव संबंधी तत्व ज्ञान का वर्णन तथा उसकी महिमा, कोटि रुद्र संहिता का महात्म्य एवं उपसंहार। सूत जी ने कहा, ऋषियों, मैंने शिव ज्ञान जैसे सुना है वैसा उसे बता रहा हूँ। तुम सब लोग, वह अत्यंत गुह्य और परम मोक्ष स्वरूप है, उसे सुनो। ब्रह्मा, नारद, सनकादि, मुनि व्यास तथा कपिल, इनके समाज में इन्हीं लोगों के ने निश्चय करके ज्ञान का जो स्वरूप बताया है उसी को यथार्थ ज्ञान समझना चाहिए। संपूर्ण जगत शिवमय है, यह ज्ञान सदा अनुशीलन करने योग्य है। सर्वज्ञ विद्वान को यह निश्चित रूप से जानना चाहिए कि शिव सर्वमय है। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत जो जगत में सब कुछ दिखाई देता है वह सब शिव ही हैं। वे महादेव जी ही शिव कहलाते हैं। जब उनकी इच्छा होती है तब वे इस जगत की रचना करते हैं। वे ही सबको जानते हैं, उनको कोई नहीं जानता। वे ही इस जगत की रचना करके स्वयं इसके भीतर प्रविष्ट होकर भी इससे दूर हैं। वास्तव में उनका इसमें प्रवेश नहीं हुआ है, क्योंकि वे निर्लिप्त सच्चिदानंद स्वरूप हैं। जैसे सूर्य आदि ज्योतियों का जल में प्रतिबिंब पड़ता है, वास्तव में जल के भीतर उनका प्रवेश नहीं होता, उसी प्रकार साक्षात शिव के विषय में समझना चाहिए। वस्तुतः तो वह स्वयं ही सब कुछ है। मतभेद ही अज्ञान है, क्योंकि शिव से भिन्न किसी द्वैत वस्तु की सत्ता नहीं है। संपूर्ण दर्शनों में मतभेद ही दिखाया जाता है, परंतु वेदांति नित्य अद्वैत तत्व का वर्णन करते हैं। जीव परमात्मा शिव का ही अंश है, परंतु अविद्या से मोहित होकर अवश हो रहा है और अपने को शिव से भिन्न समझता है। अविद्या से मुक्त होने पर वह शिव ही हो जाता है। शिव सबको व्याप्त करके स्थित हैं और संपूर्ण जंतुओं में व्यापक हैं। वे जड़ और चेतन सबके ईश्वर होकर स्वयं ही सबका कल्याण करते हैं। जो विद्वान पुरुष वेदांत मार्ग का आश्रय ले उनके साक्षात्कार के लिए साधना करता है,
उसे वह साक्षात्कार रूप फल अवश्य प्राप्त होता है। व्यापक अग्नि तत्व प्रत्येक काष्ठ में स्थित है, परंतु जो उस काष्ठ का मंथन करता है वही असंदिग्ध रूप से अग्नि को प्रकट करके देखता है। उसी तरह जो बुद्धिमान यहाँ भक्ति आदि साधनों का अनुष्ठान करता है उसे अवश्य ही शिव का दर्शन प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। सर्वत्र केवल शिव है, शिव है, शिव है, दूसरी कोई वस्तु नहीं है। वे शिव ब्रह्म से ही नाना रूपों में भासित होते हैं, जैसे समुद्र, मिट्टी अथवा सुवर्ण, ये उपाधि भेद से नाना तत्व को प्राप्त होते हैं। उसी प्रकार भगवान शंकर भी उपाधियों से ही अनेक रूपों में भासते हैं। कार्य और कारण में वास्तविक भेद नहीं होता, केवल भ्रम से भरी हुई बुद्धि के द्वारा ही उसमें भेद की प्रतीति होती है। भ्रम दूर होते ही भेद बुद्धि का नाश हो जाता है। जब बीज से अंकुर उत्पन्न होता है तब वह नाना तत्व को प्रकट करता है, फिर अंत में वह बीज रूप में ही स्थित हो जाता है और अंकुर नष्ट हो जाता है। ज्ञानी बीज रूप में स्थित है और नाना प्रकार के विकार अंकुर रूप हैं। उन विकार स्वरूप अंकुरों की निवृत्ति हो जाने पर पुरुष फिर ज्ञानी रूप में स्थित होता है, इसमें अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। सब कुछ शिव है, शिव ही सब कुछ है। शिव तथा संपूर्ण जगत में कोई भेद नहीं है, फिर क्यों कोई अनेकता देखता है और क्यों कोई एकता ढूंढता है। जैसे एक ही सूर्य नामक ज्योति जल आदि उपाधियों में विशेष रूप से नाना प्रकार की दिखाई देती हैं, उसी प्रकार शिव भी हैं। जैसे आकाश सर्वत्र व्यापक होकर भी स्पर्श आदि बंधन में नहीं आता, उसी प्रकार व्यापक शिव भी कहीं नहीं बंधते। अहंकार से युक्त होने के कारण शिव का अंश जीव कहलाता है, उस अहंकार से मुक्त होने पर वह साक्षात शिव ही है। कर्मों के भोग में लिप्त होने के कारण जीव तुच्छ है और निलिप्त होने के कारण शिव महान है। जैसे एक ही सुवर्ण आदि चांदी से मिल जाने पर कम कीमत का हो जाता है, उसी प्रकार अहंकार युक्त जीव अपना महत्व खो बैठता है। जैसे क्षार आदि से शुद्ध किया हुआ उत्तम सुवर्ण आदि पूर्वत बहुमूल्य हो जाता है, उसी प्रकार संस्कार विशेष से शुद्ध होकर जीव भी शुद्ध हो जाता है। पहले सद्गुरु को पाकर भक्ति भाव से युक्त हो शिव बुद्धि से उनका पूजन और स्मरण आदि करे। गुरु में शिव बुद्धि करने से सारे पाप आदि मल शरीर से निकल जाते हैं, उस समय अज्ञान नष्ट हो जाता है और मनुष्य ज्ञानवान हो जाता है। उस अवस्था में अहंकार मुक्त निर्मल बुद्धि वाला जीव भगवान शंकर के प्रसाद से पुनः शिव रूप हो जाता है। जैसे दर्पण में अपना रूप दिखाई देता है उसी तरह उसे सर्वत्र शंभु का साक्षात्कार होने लगता है, वही जीवन मुक्त कहलाता है। शरीर गिर जाने पर वह जीवन मुक्त ज्ञानी शिव में मिल जाता है। शरीर प्रारब्ध के अधीन है, जो उस देह के अभिमान से रहित है उसे ज्ञानी माना गया है। जो शुभ वस्तु को पाकर हर्ष से खिल नहीं उठता, अशुभ को पाकर क्रोध या शोक नहीं करता, सुख दुख आदि सभी द्वंद्वों में समभाव रखता है, वह ज्ञानवान कहलाता है। आत्मचिंतन से तथा तत्वों के विवेक से ऐसा प्रयत्न करे कि शरीर से अपनी पृथकता का बोध हो जाए। मुक्ति की इच्छा रखने वाला पुरुष शरीर एवं उसके अभिमान को त्याग कर अहंकार शून्य एवं मुक्त होकर सदा शिव में विलीन हो जाता है। आध्यात्म चिंतन एवं भगवान शिव की भक्ति ये ज्ञान के मूल कारण है। भक्ति से साधन विषयक प्रेम की उपलब्धि बताई गई है। प्रेम से श्रवण होता है, श्रवण से सत्संग प्राप्त होता है और सत्संग से ज्ञानी गुरु की उपलब्धि होती है। गुरु की कृपा से ज्ञान प्राप्त हो जाने पर मनुष्य निश्चय ही मुक्त हो जाता है। इसलिए जो समझदार है उसे सदा शंभू का ही भजन करना चाहिए। जो अनन्य भक्ति से युक्त होकर शंभू का भजन करता है उसे अंत में अवश्य ही मोक्ष प्राप्त हो जाता है। अतः मुक्ति की प्राप्ति के लिए भगवान शंकर से बढ़कर दूसरा कोई देवता नहीं है। उनकी शरण लेकर जीव संसार बंधन से छूट जाता है। ब्राह्मणों, इस प्रकार वहां पधारे हुए ऋषियों ने परस्पर निश्चय करके जो यह ज्ञान की बात बताई है इसे अपनी बुद्धि द्वारा प्रयत्नपूर्वक धारण करना चाहिए। मुनीश्वरों, तुमने जो कुछ पूछा था वह सब मैंने तुम्हें बता दिया, इसे तुम प्रयत्नपूर्वक गुप्त रखना चाहिए। बताओ अब और क्या सुनना चाहते हो। ऋषि बोले, व्यास शिष्य आपको नमस्कार है, आप धन्य हैं, शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं। आपने हमें शिव तत्व संबंधी परम उत्तम ज्ञान का श्रवण कराया, आपकी कृपा से हमारे मन की भ्रांति मिट गई, हम आपसे मोक्षदायक शिव तत्व का ज्ञान पाकर बहुत संतुष्ट हुए हैं। सूत जी ने कहा, द्विजो, जो नास्तिक हो, श्रद्धाहीन हो और शठ हो, जो भगवान शिव का भक्त ना हो, इस विषय को सुनने की रुचि ना रखता हो,
उसे इस तत्व ज्ञान का उपदेश नहीं देना चाहिए। व्यास जी ने इतिहास, पुराणों, वेदों और शास्त्रों का बारंबार विचार करके उनका सार निकालकर मुझे उपदेश दिया है। इसका एक बार श्रवण करने मात्र से सारे पाप भस्म हो जाते हैं और अभक्त को भक्ति प्राप्त होती है और भक्त की भक्ति बढ़ती है। दोबारा सुनने से उत्तम भक्ति प्राप्त होती है। तीसरी बार सुनने से मोक्ष प्राप्त होता है। अतः भोग और मोक्ष रूपी फल की इच्छा रखने वाले लोगों को बारंबार इसका श्रवण करना चाहिए। उत्तम फल को पाने के उद्देश्य से इस पुराण की 5 आवृत्तियां करनी चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य उसे अवश्य पाता है, इसमें संदेह नहीं है, क्योंकि यह व्यास जी का वचन है। जिसने इस उत्तम पुराण को सुना है उसे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। यह शिव विज्ञान भगवान शंकर को अत्यंत प्रिय है। यह मोक्ष और भोग को देने वाला और शिव भक्ति को बढ़ाने वाला है। इस प्रकार मैंने शिव पुराण की यह 4th आनंददायिनी और परम पुण्यमयी संहिता कही है, जो कोटि रुद्र संहिता के नाम से ही विख्यात है। जो पुरुष एकाग्रचित हो भक्ति भाव से इस संहिता को सुनेगा या सुनाएगा, वह समस्त भोगों का उपभोग करके अंत में परम गति को प्राप्त कर लेगा। ओम नमः शिवाय। कोटि रुद्र संहिता संपूर्ण। बोलो श्री शंकर भगवान की जय। उमापति महादेव की जय।